की बातें चैट बोट पर सेव हो रही है। क्या चैट जीपीटी का यूज करना आपके लिए सेफ है? आपका क्या नुकसान है? चैट बोट जीपीटी का क्या फायदा है? जानेंगे इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। डोंट स्किप द वीडियो। सब्सक्राइब रिलैक्स ऑल 2.0 यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो में डीपली डिस्कस करेंगे कि आप जो चैट जीपीटी को यूज कर रहे हैं उसमें जो अपना डाटा ट्रांसमिट कर रहे हैं, उसमें आप जो टाइपिंग कर रहे हैं, जो आंसर आप निकाल रहे हैं, उससे आपका तो कोई नुकसान नहीं है। कोई डिटेल आपका तो कहीं शेयर नहीं ना हो रहा है। अगर शेयर हो रहा है तो लीक होने का खतरा क्या है? कितने परसेंट चांस है कि आप सेफ है? कितने परसेंट आप चांसेस है कि आपका नुकसान हो सकता है? जानेंगे इस वीडियो में। पॉइंट्स बाय पॉइंट डिटेल में पूरा डिस्कस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और आपके हर एक सवाल का जवाब हम जानेंगे। चैट जीपीटी पिछले कुछ महीनों से बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है और यूट्यूब पे भरमार है इस वीडियो का। मतलब यूट्यूब से कैसे पैसे कमाए, यूट्यूब से कैसे आर्टिकल राइटिंग करें, तरह तरह के मतलब बात जितना भी है पूरा यूट्यूब पूरा भरा हुआ है चैट जीपीटी की तरह से। चैट जीपीटी मार्केट में एकदम बूम लेके आया था, बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। लेकिन हम इसमें बात नहीं करेंगे कि कैसे पैसे कमाना है, चैट जीपीटी का कैसे इस्तेमाल करना है। हम बात करेंगे कि आप जो चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें रिस्क कितना परसेंट है, आपका कुछ नुकसान तो नहीं हो रहा, आपका कोई डाटा लीक तो नहीं हो रहा, क्या प्राइवेसी पॉलिसी का ध्यान रखना चाहिए, आपको चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या चैट जीपीटी आपका डाटा सेव कर रही है। सबसे बड़ा बात, क्या चैट जीपीटी आपका डाटा सेव कर रही है? चलिए जानते हैं, पॉइंट्स बाय पॉइंट्स डिटेल में डिस्कस करते हैं। अगर हाँ तो आपको उसको कितना नुकसान है, अगर डाटा सेव हो रहा है, अगर हाँ तो आपका कितना नुकसान है, चलिए जानते हैं। जैसे कविता लिखाना हो, कंटेंट राइटिंग लिखाना हो, या फिर ईमेल में कुछ मैसेज भेजना हो, या फिर टेक्नोलॉजी के द्वारा एक कोई कोडिंग लिखना हो, वेबसाइट बनाना हो, या फिर सीएसएस प्रोग्रामिंग करना हो, जावा स्क्रिप्ट लिखवाना हो, ये AI चैट बोट चैट जीपीटी कुछ ही सेकेंड में आपका ये पूरा स्क्रिप्ट तैयार करके आपको दे देगा। लेकिन एक्सपर्ट्स बोलते हैं इसका आप इस्तेमाल सेफली कीजिए। किस तरह कीजिए? जो भी हो, ये AI चैटबॉट एक टेक्नोलॉजी है, एक मशीन है, एक टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी में लीक होने का खतरा तो होता ही है। ऐसे में कई बार यूजर्स अपने हेल्थ से जुड़े डिटेल्स या फिर पर्सनल डाटा उसको शेयर करते हैं, चैटबॉट पर टाइप करते हैं और ऐसे में क्या होता है कि कई बार कंपनीज की डाटा लीक हो जाती है, तो कारण आपका खतरा बढ़ सकता है। तो आपको कैसी सावधानियां बरतनी है, एक्सपर्ट्स के अनुसार जानते हैं क्या क्या सावधानी करनी चाहिए। क्या आपकी बातें सेव हो रही है? पॉइंट नंबर वन है, क्या आपकी बातें सेव हो रही है? ये सब लीक हो रहा है, ये बात को जानने से पहले आपको जानना होगा कि आपका डाटा सेव हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर हाँ सेव हो रहा है तो भैया डाटा लीक होने का खतरा है, लेकिन नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आपका डाटा चैट जीपीटी पे सेव हो रहा है, तो इसका जवाब है हाँ, चैट जीपीटी पे डाटा आपका सेव हो रहा है। आप जो कुछ भी टाइप कर रहे हैं, जो कुछ भी सर्च कर रहे हैं, एक एक चीज आपका सेव हो रहा है और एक एक चीज चैट जीपीटी के जो रिव्यूअर्स है वो पढ़ते भी है इस डाटा को। और क्यों पढ़ते हैं आगे के वीडियो में आगे जानेंगे क्यों पढ़ते हैं, लेकिन आपका डाटा सेव हो रहा है चैट जीपीटी, ये चैट जीपीटी ने खुद कहा है। यस, चैट जीपीटी का डाटा सेव हो रहा है। चैट जीपीटी, बिंग, गूगल बार्ड्स, ये सब जो कंपनीज है, ये सब जो AI मशीन टूल्स है, टेक्नोलॉजी, इन्होंने साफ साफ कहा है कि चैट जीपीटी पे, गूगल बार्ड्स पे और बिंग पे डाटा सेव होती है। हालांकि हिस्ट्री डिलीट करने का ऑप्शन भी है चैट जीपीटी पे और कुछ ऐसे फीचर्स भी है जिसको आप ऑन करके अपने डाटा को सेव होने से बचा सकते हैं। लेकिन सबको ये आइडिया नहीं होता कि सबके पास इतना टाइम नहीं होता, वो आते हैं, चैट जीपीटी का क्रेज़ है, टाइपिंग करके आंसर निकाल के ले जाते हैं, अपना हिस्ट्री डिलीट नहीं करते या फिर उस ऑप्शन को एक्टिवेट नहीं करते हैं जिससे डाटा सेव हो रहा है, उस ऑप्शन को डिलीट नहीं करते हैं या चेक नहीं करते हैं। कि ऐसे में ध्यान रखने वाली बात है कि हम अगर चाहते हैं कि हमारा डाटा सेव ना हो तो हिस्ट्री डिलीट करें, उस ऑप्शन को ऑन करें जिससे सेव ना हो हमारा डाटा, तो ऐसे भी ऑप्शन है। लेकिन सबको इस टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, वो आते हैं थोड़ा बहुत सीखते हैं और चैट जीपीटी में कुछ भी टाइप करके आंसर ले आते हैं, तो डाटा तो सेव हो रहा है भाई, नुकसान तो है। अब किस तरह नुकसान है आइए जानते हैं। पॉइंट नंबर टू, कंपनी इस चैट्स का इस्तेमाल क्यों करती है? इस जो डाटा आपका सेव हो रहा है, कंपनी इसका इस्तेमाल क्या कैसे करती है और सेव हो रहा है और रिव्यूअर्स जो चैट जीपीटी के रिव्यूअर्स है वो इन्हें क्यों पढ़ते हैं? सेव हो रहा है तो इसका सेव से क्या लेना देना है? उसको इस्तेमाल क्या करती है चैट जीपीटी, उस डाटा का इस्तेमाल कैसे करती है? तो उस डाटा का इस्तेमाल चैट जीपीटी अपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए करती है। जी हाँ गाइस, चैट जीपीटी आपके डाटा को, आप जो भी सर्च कर रहे हैं, आप जो भी आंसर पाने की कोशिश कर रहे हैं चैट जीपीटी के द्वारा, वो चैट जीपीटी उसे रिव्यू करती है और उस डाटा को सेव करती है और उस सेव डाटा के अनुसार अपने AI
मॉडल्स को ट्रेनिंग ट्रेंड करती है ताकि वो आने वाले समय में और भी बेहतर परफॉर्म कर पाए, और भी फास्ट जवाब दे पाए, और कई लैंग्वेजेस में और भी जवाब दे पाए। तो इसलिए सेव किया जाता है डाटा को अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, ताकि जीपीटी और भी सटीकता से आंसर दे पाए। जैसे कि आप देखते हैं कि चैट जीपीटी आप जब ऑन करते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि दिस इंफॉर्मेशन मे बी नॉट करेक्ट, मतलब चैट जीपीटी अपने आप साफ कहती है कि जब जो भी हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो हो सकता है करेक्ट ना हो। तो इसलिए वो डाटा का इस्तेमाल कर रही है ताकि आपको आंसर करेक्ट वे में दे सके, एकदम सही दे सके, ठीक है। और इसका सेकेंड जो इस्तेमाल है आपका डाटा सेव करने का, जो चैट जीपीटी सेव करती है, सेकेंड वो क्या काम करती है कि ये डाटा आपका डाटा जो है वो एडवर्टीजमेंट के लिए यूज़ करती है। एडवर्टीजमेंट के लिए कैसे यूज़ करती है, जैसे कि आप सर्च करते हैं कि हाउ टू लूज़ वेट, अब हाउ टू लूज़ वेट, अब चैट जीपीटी पर आप सेव सर्च कर लिए, अब ये डाटा सेव हुआ, तो चैट जीपीटी के जो टीम है वो रिव्यू करती है इसको कि पर्टिकुलर बंदा हाउ टू वेट लूज़ वेट, मतलब वेट लूज़ करना है उनको, तो ये डाटा उनके पास गया। अब उसके बाद कुकीज़ होता है, कुकीज़ के द्वारा सेव हो जाता है वो डाटा, चैट बोर्ड पे आपने चैट की तो वो सेव हो गया। अब वही वेट लूज वाला जो आपने सवाल पूछा उस डाटा का इस्तेमाल करती है आपको अपना वो प्रमोशन करने के लिए, अपना वो एडवर्टीजमेंट दिखाने के लिए। आप देखेंगे कि जब आप दूसरा चीज़ भी सर्च करते हैं तो कभी कभी आपके इंटरेस्ट के अनुसार ही एड्स आ जाता है। जैसे कि आपने सर्च किया हाउ टू लूज वेट तो आपको कुछ दिन बाद दिखेगा कि लूज वेट करने का प्रोडक्ट्स आपको दिखने लगेगा, एडवर्टीजमेंट में दिखने लगेगा। आप कोई भी गूगल में सर्च कीजिएगा तो आपको पेज आएगा, जो भी आप कुछ सर्च किए, कुछ ढूंढने के लिए सर्च किए, उस पेज में आप क्लिक किए तो उसमें जो एडवर्टीजमेंट आता है उसमें आपको दिखेगा हाउ टू लूज वेट प्रोडक्ट, तरह तरह के प्रोडक्ट्स दिखेंगे। तो ये प्रोडक्ट्स आपको सजेस्ट कैसे हुआ, तो एआई ने सेव किया डाटा, गूगल में आपने जो सर्च किया उसमें सेव किया डाटा, उस सेव के द्वारा पता चला कि इस व्यक्ति को इसकी ज़रूरत है, तो उसी के मतलब इन्फॉर्मेशन से आपको वो प्रोडक्ट्स एडवर्टीजमेंट के द्वारा दिखने लगा, और देखा कि आपको ज़रूरत होगा तो उस प्रोडक्ट में आप क्लिक कीजिएगा तो फिर वो प्रमोशन होगा, एफिलेट होगा। तो इस तरह से चैट जीपीटी या एआई टूल्स या सर्च इंजन जो है वो डाटा को सेव करके आपको एडवर्टीजमेंट के लिए भी उस डाटा को इस्तेमाल करती है, आपके प्रोडक्ट को और अपने प्रोडक्ट्स को और इन्हेंस करने के लिए डाटा को। लेकिन आप बोलेंगे मुझे इससे क्या फ़र्क पड़ता है, हो रहा है तो होने दो, एडवर्टीजमेंट आ रहा है तो आने दो। बट आपको पता है कुछ ऐसे वेबसाइट्स है जैसे webmd drugs.com, इन्होंने एडवर्टीजमेंट कंपनी के साथ मिलकर आपके डाटा, आप ही के किन्हीं में से डाटा, किसी किन्हीं का डाटा शेयर किया है, और इनमें से किसी ब्रोकर जो होते हैं ब्रोकर वो आपके पर्सनल डाटा को सेल कर देते हैं कुछ पैसों के चलते, पैसा कमाने के लिए आपका डाटा भी बिकता है, ब्रोकर इसे सेल करते हैं, तो ये सब नुकसान भी हो सकता है आपको। तो ये सब नुकसान से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। इसी बीच चैट जीपीटी का कहना है कि हम ये सब काम नहीं करते, हम डाटा शेयर नहीं करते, हम लीक नहीं करते, हम यूज़र्स का डाटा सिर्फ और सिर्फ अपने चैटबॉट एआई चैट जीपीटी को इन्हेंस करने के लिए, उसके मॉडल्स को इन्हेंस करने के लिए, उसके परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने के लिए, अपने एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दैट्स इट, चैट जीपीटी ने साफ साफ कह दिया हमें इस तरह के लकड़े हम काम नहीं करते, हम सिर्फ डाटा को अपने एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हालांकि चैट जीपीटी हर एक सवाल का जवाब दे सकता है, बट वही जवाब दे सकता है जो इंटरनेट पे पहले से सेव है, पहले से डाला हुआ है, क्योंकि चैट जीपीटी अपने से आंसर नहीं देता, वो तरह तरह के आर्टिकल्स, सैकड़ों आर्टिकल्स को पढ़कर एक यूनिक आर्टिकल्स को जनरेट करता है, यूनिक इन्फॉर्मेशन को जनरेट करता है, तब जाके आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है। अगर इंटरनेट पे वो डाटा मौजूद नहीं है, चैट जीपीटी भी कैपेबल नहीं है, जवाब कैसे देता है। तीसरा पॉइंट है, चैट जीपीटी जवाब तैयार कैसे करता है, आप तक जवाब कैसे पहुंचाता है। हंड्रेड्स ऑफ आर्टिकल्स चैट जीपीटी पढ़ के जवाब देता है। अब ये आर्टिकल्स होता क्या है, देखिए गूगल में आप सपोज सर्च करते हैं कि हाउ टू लूज वेट, ठीक है, उसमें जो भी रिजल्ट आते हैं, उस पेज जो पेज आते हैं, पेज में जो भी होता है, वजन बढ़ाने के तरीके, वजन कम करने के ये तरीके, आपको जो पसंद आता है उस पर आप पेज पे क्लिक करते हैं, उसमें जो लिखा हुआ रहता है उसको हम आर्टिकल्स बोलते हैं। और वो लिखते हैं कौन है, वो लिखते हैं ब्लॉगर्स, जो भी ब्लॉगर्स होते हैं वो आर्टिकल्स को लिखते हैं, जो कि ब्लॉगर्स में जाकर वो पेस्ट करते हैं, या फिर अपना कोई वेबसाइट में जाकर पेस्ट करते हैं, जो कि गूगल में रैंक करता है। जब आप सवाल पूछते हैं तो गूगल इंडेक्स करता है अपने पेजेस को, जो जिसमें से आपको जो पसंद आता है उसमें क्लिक करते हैं, तो वही आर्टिकल्स है। तो उसी तरह अगर आप चैट जीपीटी पे कुछ सवाल पूछते हैं हाउ टू लूज वेट, तो जितना भी इस तरह का गूगल में, गूगल ही सबसे बड़ा सर्च इंजन है, तो हम गूगल को ही लेते हैं, आर भी है लेकिन इंडिया में गूगल ही चलता है, और गूगल और सी बड़े बड़े देश में सभी हर मतलब ज़्यादातर देश में गूगल ही चलता है। तो गूगल को एग्जांपल मान के चलते हैं कि गूगल में जितना भी रिजल्ट आता है, सैकड़ों रिजल्ट को वो पढ़कर, सैकड़ों आर्टिकल्स को पढ़कर, उसमें से एक यूनिक आर्टिकल्स मतलब फिल्टर करके आप तक वो एक पॉइंट बाई पॉइंट आंसर देता है। आपको क्या फायदा होता है कि अगर आप ऐसे गूगल में सर्च करते हैं और टू लूज वेट्स, आपको पढ़ना पड़ता है, स्क्रॉल करना पड़ता है, उसमें से आप देखते हैं कौन सा अच्छा लग रहा था, उसको आप आजमाते हैं, लेकिन चैट बोर्ड से उसको सैकड़ों आर्टिकल्स पढ़ के यूनिक आर्टिकल्स बना के आपको देता है, जिससे आपको स्क्रॉल नहीं करना पड़ता है, सर्च नहीं करना पड़ता है, आप लिखते हैं और आपके सामने आंसर मौजूद हो जाता है। तो क्या होता है कि बहुत ईजी हो जाता है, टाइम का भी बचत होता है, तो इसलिए चैट जीपीटी का क्रेज बढ़ते जा रहा है, तुरंत आंसर मिलता है और फास्ट वे में मिलता है, और उतना सर्च भी नहीं करना पड़ता है। इसलिए
लेकिन एक प्रॉब्लम है, चैट जीपीटी का आसान भाषा में कहते तो आपको उसमें से क्वेश्चन पूछना भी आना चाहिए। अब अनसन टाइप कर दीजिएगा तो आंसर गलत आ जाएगा। आपको जो सब्जेक्ट जैसे कुछ आप पूछ रहे हैं तो आपको उसके बारे में कुछ नॉलेज होना भी चाहिए, क्योंकि आप टाइप कर देंगे उससे रिलेवेंट आंसर नहीं मिलेगा, आपको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो कुछ भी चैट जीपीटी दे देगा आप उसको सही मान लेंगे। तो आपको एक तो सवाल पूछने आना चाहिए, दूसरा आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट नॉलेज होना चाहिए, ताकि आपको पता चल सके कि जो भी ये नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है वो सही है या गलत। खुद बोलता है कि हाँ मेरा इन्फॉर्मेशन गलत हो सकता है, तो आपको इस तरह से अलर्ट होना चाहिए कि जवाब आपको कुछ पता होना चाहिए, तभी आप एनालाइज कर पाएंगे कि ये जवाब सही है क्या गलत। तो चैट जीपीटी का इस्तेमाल भी करना आना चाहिए आपको, कोई भी एरू गरू आके नहीं कर सकता। तो ये सब तो है चैट जीपीटी में, इस्तेमाल है, फ़ायदा है, एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस भी है। डिसएडवांटेजेस आपको लास्ट में पता चलेगा क्या है डिसएडवांटेजेस। अगर आपको रॉकेट साइंस सीखना है तो रॉकेट किस तरह डायरेक्शन में उड़ेगा, कितने एंगल में उड़ेगा ये बता देगा, लेकिन वो पूरा रॉकेट साइंस आपको नहीं सिखा सकता, पूरा कॉन्सेप्ट आपको नहीं सिखा सकता। हालांकि कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकता है, लेकिन रॉकेट साइंस सीखना चैट जीपीटी से पॉसिबल नहीं। हर चीज़ सिखा सकता, हर चीज़ दे सकता, ठीक है, रॉकेट साइंस नहीं सिखा सकता हर चीज़, मतलब हर चीज़ नहीं, उसके भी कुछ लिमिटेशन है। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, क्या आपका ये चैट्स कोई और देख रहा है? आप जो शेयर कर रहे हैं आप तो देख रहे हैं, लेकिन कोई और भी देख रहा है क्या? अगर हाँ तो वो किस तरह उस डाटा का इस्तेमाल कर रहा है, कहीं गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है? तो इसका जवाब है यस, पढ़ रहा है, पर कोई भी एरू गरू नहीं पढ़ रहा है। चैट जीपीटी के जो टीम होते हैं, रिव्यूअर्स टीम होते हैं, वो आपके परफॉर्मेंस को देखने के लिए, उसके रेस्पॉन्स को देखने के लिए, आप जो सवाल पूछ रहे हैं उसके जवाब में कैसा रेस्पॉन्स आ रहा है, उस रेस्पॉन्स को देखने के लिए रिव्यूअर्स जो होते हैं, जीपीटी के रिव्यूअर्स जो होते हैं, वो आपके चैट्स को पढ़ते हैं, ताकि अपने मॉडल्स को और भी मतलब इन्हेंस कर सके, परफॉर्मेंस सेव कर सके। गूगल्स अपने यूजर्स के डाटा को भी, गूगल्स भी इनफैक्ट गूगल्स भी रिव्यू करता है और यूजर्स के डाटा को पढ़ता है, और परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए कोई गलत इस्तेमाल नहीं करता, कोई डरने की बात नहीं है, रिव्यू करता है, लेकिन उसकी टीम करता है, उसके पास ही डाटा रहता है, गूगल्स के पास डाटा रहता है 4 साल तक, गूगल्स के पास डाटा सेव रहता है, आपके डाटा सेव है 4 साल तक। लेकिन गूगल्स आपके पर्सनल डाटा को, जैसे कि अकाउंट, गूगल अकाउंट, ये सब नहीं दे सकता। आप सब जो सर्च कर रहे हैं बस उसको देखता है, आपके गूगल अकाउंट के डाटा को, पर्सनल डाटा को नहीं देखता है। हालांकि AI, गूगल्स, ये सब पहले से ही बोलते हैं कि अपना कोई भी पर्सनल डाटा, एड्रेस, ये सब अपने सर्च इंजन में भी मतलब शेयर ना करें, और चैटबॉट पर तो शेयर करेंगे, पर्सनल डाटा और एड्रेस ये सब शेयर करना स्ट्रिक्टली बोलते हैं कि नहीं करें।